नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुना नगर के खदरी गांव की विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बुढ़िया पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए यमुना नगर के सिविल अस्पताल में भेज दिया, जहां डॉक्टर मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। मृतक महिला का नाम शाइना है, उसके पति का नाम फिरोज है। मृतक महिला खिजराबाद के पास टिब्बी की रहने वाली है। 10 साल पहले उसकी शादी बुढ़िया के नजदीक गांव खदरी में हुई थी। शाइना की पहले शादी फिरोज के भाई से हुई थी, लेकिन उसके पहले पति की मौत हो गई थी। फिरोज नशे करने का आदि था, वह शाइना से मारपीट करता था। शाइना के परिजनों का कहना है कि शाइना की मौत के लिए उसका पति जिम्मेदार है, क्योंकि उसका किसी अन्य महिला के साथ नाजायज संबंध है। वह पहले भी शाइना से मारपीट कर चुका है। उसने कई बार साफ तौर पर कहा है कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता, वह उससे छुटकारा चाहता है। मृतक महिला की जीजा रमजान, बहन नाजिया और उसकी दादी जावेदा ने बातचीत करते हुए बताया कि फिरोज अपनी पत्नी को बहुत तंग करता था, उससे मारपीट करता था, जिसके चलते उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी, जिसकी उन्होंने पुलिस को शिकायत भी दी है। पुलिस ने भी अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस से जब इस बारे में संपर्क किया गया तो पुलिस ने कहा कि अभी वे इस मामले में जांच कर रहे हैं। यमुना नगर से हमारे संवाददाता राजीव जोली की रिपोर्ट। आप चुप हो जाने, बाहर जाता हो बोल रहा था, उसके ये बोलना चल रहा था बस, दूसरी खदरी में पड़ रहा था। साथ एक साथ की हुई थी साल ने, फिर दुबई जेल है तो वो वहाँ भी जेल जाल में रहा था। बस मैंने ये दो तीन फेरी करता था, उसके बाद करता था। बच्चे शाइना के, बच्चे दो हैं, एक 5 साल का है, एक 2 साल का। ये पहली शादी है शाइना की? दूसरी शादी है। पहली शादी कहाँ हुई थी? पहले भाई का थी, बड़े भाई का थी, फिर वो छोटे का था, एक छोटे का उठा दी थी। तो ये क्या लग रहा है इस पूरे मामले में, क्या उसकी हत्या हुई है, उसे मारपीट करके मौत के घाट? बस उसका याद है, छोकरे उसने पहले अकरम की कदरी थी रहे थी, फिर जो लड़का था हम सोचते रहे जी लड़का, फिर वो मर गया, वो मरवाए दिया उन्होंने, माँ ने मरवाया, किसने मरवाया, मार दिया उन्हें, अरमत पाया ठीक जी। फिर वो जो जो खान लग गया सर लग गई जी, मेरा लड़का है इस तरह, और मेरा घर बस जाएगा, मेरा चलो हो जाएगा, किसी को मार पदे पकाया सारा कुछ पाया जी ठीक है। ये 8 दिन है ये वहाँ घर गई है, तो खदरी आ गई, 1 साल है भाई, मकान मकून लिया ना बचाई है, और वहाँ मकान मकून बेच का आ गया। ये भी जो 8 दिन है, 6-7 दिन है को गई थी, इसका भाई गया ये छत्ती चार का, वहाँ पुलिस भी बुलाई थी, वही अपना भाग लेना उनका वहाँ पे। फिर 8 दिन है जन पा, 1 बजे फोन गया अनपा मारी छत्ती, उन्होंने सारी बतावा जो नहीं सारा कुछ बतावा बोलती नहीं उन्होंने सर, तो वजह क्या थी, ये क्यों इसके साथ रहना नहीं चाहता था? सारी बात जी खदरी पड़ा वहाँ, तो अवैध संबंध थे कि वहाँ किसी के साथ संबंध रहते हैं जिसके यहाँ विजय ने कहा था फोन पर भी वहाँ जाएगा नौकरी बीमार आती है, रख कर लिया मैं दूसरी जगह सारी ये बनाते हैं, छेटती पिटती गेट तक घर हो गई, जिसे जिन्हें पड़ोसियों ने पता, 1 बजे इन पर फोन गया, और फिर बार बार कह रहे भी 10 बजे दफनाए दो, क्या मतलब कहने का। तो आप तो दादी हैं, आपने अपनी पोती का मतलब जो शरीर है वो देखा, उस पर निशान थे? निशान आए जी, किस तरह के निशान थे? निशान जी लिल्ली आँख हुई, जिसकी आँख साइड में था, ये आँख सूज जा रही है, सूज जा रहा है, जिसका ये निशान है, ये सूज जा रहा है। वो लड़का वहाँ से बैठाए थे, वो लड़का भी इधर छोड़, ये भी आने भी जो सजा लड़की ने आया, लड़की ने माँ बाप ने मिले, माँ बाप उसका कहते मताज है, मताज है उसका बाप, भैया ये बोलते नहीं कोई से भी ठीक जी, भैया छान ब्रेक ब्रेगा है बैठने की जगह नहीं है, मैं क्या कर जो साथ तो वैसे और था, मैं दे रही साथ उसके जो वहाँ आवाज जावा वैसी मैं दे रही, हम तो डरते मतलब इंसाफ चाहिए, इंसाफ के पीछा इंसाफ चाहिए, आज इस लौंडी के कल तो मैं लौंडी के दूसरी गेट लगे होगा, इंसाफ के पीछा नहीं इंसाफ चाहिए, समझ गया यूँ थोड़े भी दी बच्ची होंगे ना उसका फिर पता लगता मेरी बच्ची कैसी है कैसी नहीं है, दी सबका मेरे भी है दिया, दुख तो दुख ही हो सबका इंसान का, समझ गया इंसाफ चाहिए मनु। साथ ये लड़का जी काफी नशे भी करता था, ड्रिंक भी करता था, उसमें भी पीता था, ये लड़ता रहता झगड़ा रहता, कई बार हादसा हुआ इसके साथ,
मार पिटाई कई बारी किया है, कई साल से चल रहा है, 2-3 साल से ये लड़का नशा बहुत करता है। और हमको रात 12 बजे फ़ोन आया मेरे सोरे के पास भी तुम्हारी लड़की गुजर गई, उसको अटैक हो गया। तो सुबह 4 बजे आए वहाँ से, रात को पता नहीं लगा, सुबह 4 बजे फिर फ़ोन गया, फिर आए यहाँ 4 बजे सुबह यहाँ खतरी में। तो आकर उन्होंने देखा कि उस शरीर पे कुछ निशान है, जैसे हमारे यहाँ नासे खून आ रखते, कुछ निशान है कि शरीर पे। और तो फिर इन्होंने 2-4 जने ने होकर तहकत की भी क्या बात हुई, तो वहाँ भी पता लगा भी कुछ लड़ी हुई इसके साथ, परसों भी हादसा है इसके साथ, परसों भी एक ही मार पड़ी की, कल भी किया है शाम के टाइम। तो जी हमको तो शक है भी कि गलत बाकर मौत की है, तकिए से मौत की है, इसका हादसा है। तो मारपीट किस वजह से करते थे? हाँ जी, मारपीट किस वजह से होती थी? मारपीट लड़का नशा करता है, स्मैक पीता है, ड्रिंक भी करता है जी, टिक्के भी लाता है, पहले बाहर भी गया था जी, वहाँ भी आ जाओ शादी कहाँ हुई थी इसकी शाइना की? शाइना की शादी खतरी में जी। और रहने वाली कहाँ की थी वो? मायका, मायका टिबिराई वाला। तो उसने कभी बताया कि उसको किस बात को लेकर परेशान किया जा रहा था? बात का सबको पता था जी, घर वाले को सबको पता था। हाँ। ये लड़का एक गैर संबंध किसी लड़की के साथ भी थे। हाँ। जो मेरे को पता है, मेरे को साधू लगता हूँ जी, एक गैर संबंध भी किसी लड़की के साथ थे, उसके साथ वो मिलाफ बढ़िया नहीं करता था जी, गलत था जी, एंड वो ये कहता था सारी बार उसको, उसने मेरे को बताया मेरी साड़ी लगती है वो, मैं दूसरी लड़की लाऊंगा, मैं तेरे को नहीं चाहता। नहीं, ये बात सिर्फ आपको लगती थी या शाइना ने भी कभी आपको बताया था? मेरे को बताया जी, कई बारी बताया, मेरी उसके आते जाते रहते हैं जी, ठीक है, ये बहन है मेरा है, तो उसने बताया जी ये मेरे को परेशान करता है, ये किसी लड़की के साथ व्यवहार है इसके, गलत खदरी में होगी कोई कहीं भी होगी, शादी करना चाहता है इससे, इस मार पे करता था जिसके, यूँ पता नहीं इसके बारे में इसने इसका हादसा कर दिया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।